भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जारी 5 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला हैदराबाद के मैदान पर खेला गया, जिसमें भारतीय क्रिकेट टीम ने अपने गेंदबाजों और बल्लेबाजों के बेहद शानदार प्रदर्शन की बदौलत ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हरा दिया। मैच के दौरान भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर केदार जाधव और महेंद्र सिंह धोनी से बेहतर बल्लेबाजी का नजारा देखने को मिला। वहीं गेंदबाजी में मोहम्मद शमी और कुलदीप यादव ने टीम मैनेजमेंट का दिल जीता। मैच के दौरान भारतीय क्रिकेटर के प्रदर्शन पर नजर डालें तो टीम इंडिया के बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने अपना बेहतर प्रदर्शन करने की पूरी कोशिश की थी। मैच के दौरान कुछ क्रिकेटर ने तो इतनी ज्यादा मेहनत कर दी जी उन्हें मैच के दौरान एनर्जी की जरूरत पड़ने लगी। हम बात कर रहे हैं भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और टीम इंडिया के दिग्गज विकेटकीपर महेंद्र सिंह धोनी के बारे में, जिन्हें पहले एक दिवसीय मैच के दौरान मैदान पर एनर्जी की जरूरत पड़ी। पहले एक दिवसीय मैच में ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजी करते वक्त भारतीय क्रिकेट टीम के फील्डर काफी थक चुके थे, जिसके बाद भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज सिद्धार्थ कौल मैदान पर एक प्लेट में केला लेकर आए। सिद्धार्थ वालों के हाथ में कुल 3 केले थे, जिसको भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर महेंद्र सिंह धोनी और तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी में साझा किया। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और मोहम्मद शमी के प्रदर्शन के प्रति अपना विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें।